उन गरीबों के प्रति अपनी सरकार की संवेदनाएं अगर सरकार ना हो तो शायद ये गरीब बच भी ना पाए। आपको मालूम होगा कि इस राज्य में हम लोगों ने जो बुजुर्गों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए जो सर्वजन पेंशन लागू किया है, क्यों लागू किया? क्या सरकार के पास कोई नोट छापने की मशीन तो नहीं है? हमें क्यों लागू करना पड़ा? वो इसलिए लागू करना पड़ा क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, आम जनों से मिलते हैं और राज्य की जो गरीबी है उसका आलम यह है कि आज एक वृद्ध व्यक्ति 1,000 रुपए का पेंशन के लिए और एक विधवा महिला अपने 1,000 रुपए पेंशन के लिए और विकलांग अपने 1,000 पेंशन के लिए ना जाने कितने दलालों के चक्कर में फंसा और ना जाने कितने दलालों को उसने 1,500 करते करते कितने करोड़ों रुपए फूंक डाले होंगे सभी लोगों ने मिलकर, लेकिन उनको पेंशन का कार्ड नहीं बना। लेकिन ब्लॉक कर्मचारी और दलालों के चक्कर काटते काटते उनकी उम्र खत्म हो गई। 60 साल की उम्र से वो इस जुगत में लगा रहा कि मेरा कार्ड बन जाएगा, लेकिन उसकी उम्र 80 के पार हो गई लेकिन उसका कार्ड नहीं बना। और इतने समय में कितने बार उसको लोगों ने ठगा होगा इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए हम लोगों ने सर्वजन का ये निर्णय इसलिए लिया कि अब इस राज्य में जो बुजुर्ग और मजबूर गरीब का कोई शोषण ना करे, कोई विधवा महिला का शोषण ना हो, कोई विकलांग का शोषण ना हो, तो हम लोगों ने पूरा पेंशन ही सार्वजन कर दिया। सामाजिक सुरक्षा अगर समाज के अंदर में नहीं है तो स्वच्छ समाज और विकसित समाज की परिकल्पना करना बेमानी है। इसी कड़ी में आप लोगों ने सुना होगा कि इस राज्य में या पूरे देश में कर्मचारियों का पुराना पेंशन का मांग बड़े लंबे समय से चला आ रहा था। कल परसों हम लोगों ने दिल्ली में कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन देखा, कोई मीडिया चैनल अखबारों में नहीं छपा, लेकिन अखबार और मीडिया के देखने के पास ही आंख है ऐसी नहीं है। इस देश के अंदर 125-150 करोड़ आंखें हैं। जिनके माध्यम से उन कर्मचारियों की आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचा कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। और हम लोगों ने तो सरकार बनने के बाद मुझे लगता है देश में पहला ये राज्य है जहां अपने कर्मचारियों को पुराना पेंशन लागू करने का कानून और नियम भी बनाया। तो इस तरीके से सरकार मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी रहेगी। आप ईमानदारी से काम करें, जिम्मेदारी के साथ काम करें। बहुत सारी नियम, परिनियम, कायदे, कानून आपके समक्ष आएंगे। लेकिन काम कैसे होना है, जनहित में हो तो उसमें किसी भी तरीके का कोई हिचकिचाहट ना हो,
ये मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।